नेक्स्ट कंडीशन लाइन इन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन मीन्स अभी ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन क्या है, पहले हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हमने किया तो ये ऐसे हुई, वर्टिकल से इंक्लाइंड किया तो ये ऐसे हुई, हॉरिजॉन्टल से भी इंक्लाइंड है, वर्टिकल से भी इंक्लाइंड है, तो ये लाइन ऐसे भी हो सकती, जितना एवअप बोलेगा तो उतना एवअप हो जाएगा, जितना इन फ्रंट बोलेगा, ये हर क्वेश्चन में हो सकता है, पॉइंट में आप पढ़ा चुके हैं। मीन्स ऐसा कुछ लोकेशन है हमारी लाइन का, तो अब हम इसका जब सामने से देखेंगे तो हमें लाइन तो दिखेगी पर वो ट्रू लेंथ में नहीं दिखेगी, शॉर्टर लेंथ में दिखेगी। हम इसका जब क्या करेंगे टॉप व्यू भी देखेंगे तो वो भी हमें शॉर्टर लेंथ में दिखेगी, और इस लाइन को जो हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को भी कट कर सकती है, मीन्स रेफरेंस प्लेन को कट कर सकती है, तो इसमें हमें क्या होगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस वर्टिकल ट्रेस दोनों मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने कितनी कंडीशन पढ़ी, एक तो लाइन जो पैरेलल पढ़ी दोनों से, फिर एक से परपेंडिकुलर दूसरे से पैरेलल, फिर अब प्लेन चेंज है एक से परपेंडिकुलर दूसरे से पैरेलल, तीन कंडीशन हो गई। चौथी हमने पढ़ी एक से इंक्लाइंड है दूसरे के पैरेलल, फिर हमने दूसरे से इंक्लाइंड किया और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे से पैरेलल किया, अब हमने क्या कर दिया दोनों को एक साथ इंक्लाइंड कर दिया। इस तरीके आपकी छह कंडीशन बनेगी, छह कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे क्या मिलने वाला है। लाइन के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट की लोकेशन सेट करेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में उसका प्रोजेक्शन ले जाएंगे और दूसरे एंड को फाइंड आउट करेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस तरीके आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, तब आपको क्लियरिटी होगी कि कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लाइन है जिसका नाम है PQ और उसकी ट्रू लेंथ कितनी गिवन है, 50 mm दिया है, और साथ ही साथ बोला है कि लाइन पैरेलल टू क्या है हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। मीन्स ये क्वेश्चन की कंडीशन कौन सी आ रही है, लाइन इज पैरेलल टू बोथ प्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। अब उस लाइन की लोकेशन के बारे में क्या हमें दे रहा है कि वन एंड इज 25 इन फ्रंट टू वीपी, मीन्स एचपी से क्या हो जा रहा है 25 mm आगे हो जा रहा है, मीन्स एचपी से 25 mm आगे हो जा रहा है और वीपी से 25 mm आगे हो जा रहा है और एचपी से 60 mm क्या हो जा रहा है ऊपर हो जा रहा है। और एक तरीके से क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो हमारी पेन है ये हमारी क्या है लाइन है, इसकी लेंथ कितना है पीक्यू है, इसकी एक इंड का नाम पी है दूसरे इंड का नाम क्यू है और इसकी लेंथ कितनी है 50 mm है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल से पैरेलल है हॉरिजॉन्टल से पैरेलल है, ये लाइन हमारे वर्टिकल से पैरेलल है वर्टिकल से पैरेलल है। इसका एक इंड वन इंड के बारे में दे रहा है कि 25 इन फ्रंट टू वीपी 25 इन फ्रंट टू वीपी एंड 60 अबव द एचपी, तो इसके एंड के बारे में दे दिया हमें। तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर ये ऐसी कंडीशन है हम सामने से देखेंगे हमें क्या मिलता है उसकी ट्रू लेंथ मिलती है, ऊपर से देखते तो हमें क्या मिलती है इसकी ट्रू लेंथ मिलती है। क्वेश्चन करने के लिए हमने बताया आपको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे एक रेफरेंस लाइन बनाइए, रेफरेंस लाइन आपको 2H पेंसिल से बनाना है, फिर यहाँ से 20 या 25 mm का गैप देके 10 mm की हाइट में आपको x लिखना है, इधर 20 या 25 के mm का गैप देके 10 mm की हाइट में आपको क्या लिखना है y, ये हो गया रेफरेंस लाइन। एक्स वाई जो लिखना है आपको वो एचबी पेंसिल से लिखना है, जो ये लाइन ड्रा करनी है वो आपको 2H से करना है। ये बहुत से जहां पे एचबी बोला जाता है हम 2H इसलिए बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर एच पेंसिल भी आपको चलानी हो तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट होने चाहिए। तो ये हमारी 2H, ये दोनों हमने जो लिखा है वो एचबी पेंसिल से लिखा है, 10 mm की हाइट पे लिखा। अब यहां से हम क्या करेंगे 10 mm ऊपर और इधर 5 mm आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्टिकल प्लेन लिखेंगे, क्योंकि हमें इन फ्रंट और एवब बोला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फ्रंट और एवब आता है। तो ये लाइन हमारा कहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस पॉइंट की लोकेशन से हमें मालूम चल गया था। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगा एचपी वीपी आ जाएगा, सेम नीचे यहाँ से 10 यहाँ से 5 नीचे 10 गए, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे वीपी लिखेंगे, ये किससे लिखेंगे हम एचबी पेंसिल से लिखेंगे, जैसे लेटर प्रिंटिंग में आपको सिखाया गया है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पे आपको गाइडलाइन भी बनानी होगी, ये गाइडलाइन 2S से होगा, लिखने वाला काम एचबी पेंसिल से करेंगे। अब क्वेश्चन आप कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले 1 इंच से स्टार्ट करना
स्टार्ट करते हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है कि 25 mm इन फ्रंट टू वीपी, वीपी से 25 mm इन फ्रंट है और 60 mm अबव द एचपी। अगर 60 mm अबव द एचपी बोला है, जितना अबव बोलता है वो उतना ही ऊपर जाता है। अगर सेम चीज थी, ये आपका एचपी, ये वीपी, 25 mm इन फ्रंट और 60 अबव, एचपी को आप क्या करेंगे, एचपी को आप क्या करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एचपी और वीपी ये ऐसे आ जाएगा, मीन्स ये ऊपर वीपी है तो नीचे आपका एचपी आ जाता है। और आपको ये भी पता है कि जितना यहाँ पे इन फ्रंट बोलता है, जितना यहाँ पे इन फ्रंट बोलता है वो ऊपर, जितना इन फ्रंट बोलता है जब ये मीन्स ये एचपी से इतना इन फ्रंट ये रोटेट होके नीचे जा रहा है, मीन्स इन फ्रंट वाला नीचे जाता है, जितना अबव बोल रहा है वो क्या होता है, रेफरेंस लाइन से ऊपर आता है। तो यहां से आप क्या करिए, सबसे पहले रेफरेंस लाइन पे एक पॉइंट ओ लीजिए, इसका एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रा कीजिए, प्रोजेक्शन लाइन से आप समझ जाइए ये लाइन भी आपको 2H पेंसिल से ड्रा करना है। अभी आपको अबव कितना जाना है, 60 जाना है, तो यहां से आप कितना जाएंगे ऊपर, 60 पे एक पॉइंट लेंगे, वो इस पॉइंट का आपको रेफरेंस लाइन से ऊपर क्या मिलता है, एलिवेशन मिलता है, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, पी डैश हो जाएगा। और आपको पता है कि बोथ प्लेन पैरेलल है, तो यहाँ पे आपको लाइन जो होगी ट्रू लेंथ में ही मिलने वाली है। तो यहां से आप क्या करेंगे, ट्रू लेंथ कितनी, 50, ये सीधी लाइन आप 50 लेते आएंगे, ये आपको क्या मिल गया, क्यू डैश। ये लाइन आपकी किससे होगी, ये लाइन आपकी एच पेंसिल से होगी, ये लाइन आपकी एच पेंसिल से होगी। अब इसका प्रोजेक्शन नीचे ले आएंगे तो ये भी किससे होगा, 2S से होगा, और ये आपको इन फ्रंट कितना आना, 25, तो मीन्स आप 25 यहाँ कहीं ले लीजिए, या पहले आप पॉइंट ओ से प्रोजेक्टर एक ले जाइए या प्रोजेक्शन लाइन ले जाइए, ऊपर यहाँ पे आपको कितना जाना है, 20 ऊपर आपको कितना जाना है, 60 जाना है, क्योंकि 60 अबव बोला है, इन फ्रंट 25, यहाँ नीचे आ जाएंगे आप 25, ये आपका पी डैश है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू, ये आपका क्यू। अब इसको आप ले जाएंगे 50 आगे, तो ये पी डैश क्यू डैश आपका क्या हो जाएगा, एलिवेशन में हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन नीचे, और इसको आप मिलाते हुए जो ये लाइन ले जाएंगे, सॉरी ये पी डैश है, तो ये पी डैश का नीचे प्रोजेक्शन क्या आएगा, पी आएगा, मिस्टेक हो गई, पी, और क्यू डैश का प्रोजेक्शन नीचे क्या आएगा, क्यू। ये भी हमारा क्या है, ट्रू लेंथ में 50 है, एमएम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया सारी चीजें इसमें एमएम में होती है, अंडरस्टूड होगा। पी डैश क्यू डैश पी क्यू, पी डैश क्यू डैश आपका क्या हो गया, पी डैश क्यू डैश आपका एलिवेशन हो गया, या आप इसी को फ्रंट व्यू बोल सकते हैं, पी क्यू आपका क्या हो गया, प्लान हो गया, या इसी को आप टॉप व्यू बोल सकते हैं, ये दोनों एक्चुअल लेंथ में है, और ये आपकी एच पेंसिल से बनेंगी, ये दोनों लाइन आपकी प्रोजेक्शन लाइन है, ये 2S से बनेंगे, रेफरेंस लाइन भी 2S से बनेगा। इस तरह के आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम ऐसे ही और क्वेश्चन आगे करते जाएंगे।